सर जहाँ तक जो फाइल देखने से है कि नोटिस दी गई, इनको नोटिस देने के बाद उनको कार्य रोकने के लिए आदेश दिए गए हैं, अब किन परिस्थितियों में वहाँ पर क्या कार्य नहीं हुआ है और इन्होंने कार्य क्यों नहीं रोका और उसके विरुद्ध कार्रवाई क्यों, इसका हम लोग जाँच करा रहे हैं कि तत्समय में कौन इसका सुपरविजन कर रहा था स्थानीय स्तर पर और उसके द्वारा क्या कार्रवाई की गई। 11 कहलाता है जो कि बिल्कुल गलत है। इसने रेरा में अपना जो रेरा में रजिस्ट्रेशन भी कराया है वो भी खाली प्लाजा का करवाया है, ना कि पूरे प्रोजेक्ट से, वो भी दिखाता है कि ये टावर नंबर 11 नहीं है, मतलब बहुत सारी धांधलियाँ हैं। और 2014 में कंपाउंडिंग करा के इस कमर्शियल को रेजिडेंशियल से मिला दिया गया और इसको पहले 2006 में G+9 था, इसको 2014 में G+10 का अप्रूवल दे दिया गया जो कि गलत है। लेकिन बिल्डर यहाँ पर ही नहीं माना, इसने दो और फ्लोर बढ़ा दिया। तो हमारे हिसाब से जैसे डेमोलिशन का ऑर्डर तो खाली एक फ्लोर का है, लेकिन मेरे हिसाब से दो फ्लोर इसके एक्स्ट्रा हैं, वो भी नक्शे हम तो 2006 का नक्शा मानते हैं जिसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और LDA में भी और स्पेशल सेक्रेटरी और हाई कोर्ट में भी जाने वाले हैं। हमारे हिसाब से तो 3 फ्लोर एक्स्ट्रा हैं, लेकिन अगर LDA के एक बार नक्शे को मान भी लेते हैं